साथियों, महामिलावट के दम पर दिल्ली जाने का जो सपना दीदी देख रही थी वो अब मिट्टी में मिलता दिख रहा है। आज पश्चिम बंगाल में दीदी 10 का आंकड़े तक पहुंचने के लिए जी जान से ताकत लगा रही है, सबको दौड़ा रही है और गुस्से में आकर के हर दिन मोदी पे गालियां बरसा रही है, जो गालियां मन में आए बोल रही है। संतुलन ही खो दिया है और उसका कारण क्या है मालूम है? ये संतुलन खोया है उसका कारण क्या है मालूम है? क्या कारण है भाइयों बहनों? ये जन सागर है ना, उनको रिपोर्ट तो मिलती है। ये जो गुस्सा है पूरे बंगाल के हर कोने में है, इसी ने दीदी की नींद खराब कर दी है। सब नेताओं के दिमाग भी खराब हो रहे हैं, दीदी का भी दिमाग खराब हो रहा है। जिन गरीबों का सब कुछ टीएमसी के चिटफंड गिरोह ने लूटा, वो युवा जिनको परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिली, जिन कर्मचारियों को डीए नहीं मिला, गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज के कारण जिन कामगारों की रोजी रोटी छिन गई, ये सब अब दीदी को 10 सीटों तक भी पहुंचने नहीं देंगे, ये यहां के लोगों का तय। और साथियों, इसलिए आजकल दीदी काफी डरी हुई है, बौखलाई हुई नजर आती है। एक डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये डर है लोकतंत्र का, ये डर है कानून का, ये डर है जनता की ताकत का, ये डर है जनता के फैसले का। जब दीदी को भी लोकतंत्र का डर सताए तो ये डर अच्छा है। जब दीदी को भी कानून का डर सताए तो ये डर अच्छा है। जब दीदी को भी जनता के फैसले का डर सताए तो ये डर अच्छा है।